सतनाम करता पुत्र पौने वैर का जुनी सैकुं प्रसाद जब पात सच गुरा सच है कि सच नाम गुरु सह कि सच वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ना मदहु मनु सदी अला रसूल करीम अमा बाद फौज बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। और मैं तमाम क्रिश्चियन भाई को सलाम पेश कर रहा हूँ। सब तो पहला मैं मोहतरम जनाब महबूब असलम साहब DIG मोटरवे पुलिस जनाब बिशप साहब जनाब मेरे बहुत प्यारे वीर जहीर विरक साहब गुरु घर के ग्रंथी ननकाणा साहब के मोहतरम जनाब दिया सिंह साहब साढ़े मोटरवे पुलिस साढ़े सिख कौम की शान महेंद्र सिंह और साढ़े ननकाणा साहब के बहुत प्यारे साढ़े वीर तनवीर कुरैशी जी अते तमाम इत्थे जिहड़े अफसरान बैठे हैं उन्होंने मैं बहुत बहुत बधाई देना हाँ कि अज DIG साहब की सरबराई दे विच इतनी सोहनी आगाही एक तकरीब का इनकार किया गया। सो मैं बहुत धन्यवादी हाँ मैं अपनी पूरी सिख कम्यूनिटी की वालों DIG साहब का और उनकी सारी टीम का धन्यवाद करता हाँ और उन्होंने मुबारकबाद पेश करता हाँ कि उन्हें एड्डा सोहना एक प्रोग्राम जिंद सू आगाही मिलेगी मुनकद किया। और एक तो बाद जिस तरह के साढ़े हालात ने जिस तरह साढ़े लोग ड्राइव करते हैं जिस तरह बगैर लाइसेंस तो रोडों के उत्ते फिरते हैं इनू मैं एक शेर के इजाजत न एक शेर के बयान कराँगा कि साढ़ा हाल की है। शायर कहता साढ़े एक बड़े सोहने लीडर ने लिखा है कि कुछ दिते फट जमाने ने कुछ मार गई तकदीर कुछ दिते फट जमाने ने कुछ मार गई तकदीर ने तू कितों कितों सीवेंगी मैं सारा लीर लीर यह सा हाल है कि असं सारे लीर लीर उम्मीद है जे सर कहें कि मूँह तो तारीफ नहीं करनी चाहिए है पर जो सच है वह सच है। मैं एक छोटा जहा वाक्य दसागा जो मेरे नाल वापरिया कि जो मोटरवे नवी नवी स्टार्ट हुई उस टाइम साड़ी भी नवी नवी जवानी सी बड़ा जोश से मोटरवे पता लगता इस तरह तीन सड़क हैं तो अन्नवा स्पीड है। खैर मैं जो मोटरवे तो चढ़िया तो मेरे नाल मेरा गनमैन भी हो गए तो मेरा ख्याल है मैं उस टाइम कोई 140 की स्पीड से जा रहा अगे जाके मैं पुलिस वाले रोक लिया तो मैं बड़े आकड़ जमें आम रूटीन च उतरी दिया जमें सिख कौम पाकिस्तान प्यार मिलता सर मैं उतरिया और मैं उन्होंने कहा मैं गोपाल सिंह चावला पंजाबी सिख संगत का चेयरमैन है प्रबंधक कमेटी का जनरल सैकटरी है मेरा भाई MP है बंदा थोड़ा जो सर इंस्पैक्टर से शायद वह इतने मौजूद भी हो उन्होंने नाम नहीं लेना चाहता और बहुत प्यारा आदमी उन्हें सर आप आके मैं आप शीशा खोल के गल कर रहा उन्हें दरवाज़ा खोलिया उन्होंने कहा सरदार जी आ रहे हैं मैं कहा सर उन्हें मैंने स्पीड विखाई 138 दी उस टाइम कि यह गैर कानूनी और तुम साढ़े महबूब हो साढ़े भरा हो गल करते करते उन्हें मैं 700 का परचा ठोक दिया। खैर उन्हें मैं बड़े प्यार फिर गड्डी बिठा के कहा सरदार जी साड़ी मजबूरी मैं उस टाइम तो बड़ा गुस्सा आया ईमानदारी की गल कर उस टाइम मैं बड़ा गुस्सा आया पर मैं कर आके ना प्राउड फील किया कि साड़ी पुलिस जी है हम एड्डी जोगी हो गई साढ़े बच्चे इंसाफ शुरू हो गया और साढ़े बच्चे भी ना विकन वाला जोड़ा काम से और शुरू हो गया। और सर वो दिन है अज का दिन मैं गड्डी सर ड्राइव आप ही करना जो मैं 115 क्रॉस करना ना तो मैं एक बार सोच दें कि जे पंजी ने तो ना चली जाए नहीं तो मैं 750 का परचा भी ठुकना और मैं यह भी महसूस होना कि मैं गलत कर रहा और सर वो सबक मेरे वास्ते अज का दिन भी है वह दिन लैके अज दिन तक मैं अगर इस्लामाबाद के रोड पर होवा मैं अगर पेशावर जावा मैं किसी भी मोटरवे पर जावा जिते स्पीड लिमिट जिनी लिखी होंगी है मेरी कोशिश होंगी कि मैं क्रॉस ना करा और मेरे वास्ते उस एक भाई का सबक से जहाँ जिन्हें मैंने दिता से और मैं उन्हें माण मैं अपने मोटरवे पुलिस को और अज इस ट्रेनिंग में और अज इस हमांगी को सर जरा गुलदस्ता सजाया है ए क्रिश्चियन भरा साड़ी पूरी सिख कम्यूनिटी जिन्होंने आगाही दे रहे हो साडे हिंदू वीर भी हैं सो यह हमांगी का जोड़ा सर है यह भी बहुत एक अच्छा सबूत है क्योंकि गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब सर सा आखिरी
किताब है साडे साडे गुरु हैं और साडे गुरु का फरमान है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जा उपजे कौन भले को मंदे। तो सर तुसी अज सारयां नूं एक स्टेज दे उत्ते बिठा के सब तो वड्डा ते पाकिस्तान का जिहड़ा असल चेहरा है कि इत्थे हर मजहब नूं हर फिरके नूं हर रंग नूं पूरी तरह आजादी है। सब तो पहला सर तुसी उहदा यह जिहड़ा सबूत है जिहड़े उह मिसाल ने हुण कायम कीता जिहदे वास्ते मैं तुहाडा बहुत ही शुक्रगुजार हाँ। और मैं अपनी सिख कम्यूनिटी की तरफ थोड़ी सारी जी एफर्ट है तुम जो खूबसूरत बजम सजाया हुआ इंशाल्लाह असं अपने गुरुद्वार जाके एक बार भी नहीं हर जुमे वाले दिन क्योंकि जुमे वाले दिन साड़ी कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होंगी। सर मैं थोड़े तो वादा करता कि असं हर जुमे में तकरीबन 5 to 10 मिनट थोड़ा जो पैगाम है बच्चे बच्चे तक पहुँचावे और उन्होंने कहोंगे कि सीट बेल्ट कितनी जरूरी है और ओवर स्पीड जी है कितनी खतरनाक है एक एक चीज़ दसांगे तुहाडे अज दा जिहड़ा महफल है इहदा असीं सब पूरी तरह मान रखांगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सरदार।